हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज फ्रेम। होप आप सभी स्टूडेंट्स की दिसंबर 2023 एग्जाम की काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी। और आज सीएसआर नेट से ही रिलेटेड हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, विच इज़ लॉक इन एम्पलीफायर। लॉक इन एम्पलीफायर पर बेस्ड जो है हमने आज थ्योरी को डिस्कशन करना है और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग करेंगे। जून 2023 के एग्जाम में इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को लॉक इन डिटेक्शन टेक्निक या फिर लॉक इन एम्पलीफायर, ठीक है, क्या क्या इसमें स्टडी करना है, इस एम्पलीफायर का काम क्या है, ये एम्पलीफायर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, क्या इसका मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म है आउटपुट का, और इसके बाद हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन लॉक इन एम्पलीफायर। ओके, तो अब सबसे पहला जो मेजर आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एम्पलीफायर एंड लॉक इन एम्पलीफायर। मेजर डिफरेंस किस चीज को लेकर के है? देखिए, ऑर्डिनरी अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, सो ऑर्डिनरी एम्पलीफायर या फिर रेक्टिफायर की भी बात कर लो चाहे, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो भी सिग्नल होगा ना, अगर उस सिग्नल के अंदर नॉइस प्रेजेंट है, अगर उस सिग्नल, जैसे मान लो सिग्नल की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम अगर ओमेगा एस से रिप्रेजेंट कर दें, और जो इसके अंदर नॉइस प्रेजेंट है अगर हम उसको ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये क्या करता है एम्पलीफायर, क्या करेगा कि जो भी नॉइस रहेगा, नॉइस के अंदर मतलब सिग्नल के साथ नॉइस एसोसिएटेड है, तो दोनों को एक साथ ही एम्पलीफाई कर देगा। अब इससे होगा ये कि जो नॉइस में मतलब जो नॉइस के अंदर जो सिग्नल हमारा बरीड था, जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वांटेड था, अब वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कहीं ना कहीं एम्पलीफाई हो जाएगा। और अगर ये एम्पलीफाई होता है तो सिग्नल अकेला एम्पलीफाई नहीं होगा, सिग्नल के साथ साथ नॉइस भी एम्पलीफाई हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल या ऑर्डिनरी एम्पलीफायर डिटेक्ट नहीं कर सकता द डिफरेंस बिटवीन सिग्नल एंड द नॉइस कंटेनिंग इन इट। ओके, इन द सिमिलर वे ऑर्डिनरी रेक्टिफायर भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है आपके सिग्नल और उसके अंदर प्रेजेंट नॉइस को, तो वो क्या करेगा, वो अगर रिमूव करना चाहेगा, रेक्टिफाई करना चाहेगा, तो वो दोनों को एक साथ लेकर के चलेगा। जबकि लॉक इन एम्पलीफायर क्या करेगा, लॉक इन एम्पलीफायर डिटेक्ट कर सकता है, इट कैन डिटेक्ट द नॉइस। ओके, ये नॉइस को डिटेक्ट कर सकता है, और नॉइस को डिटेक्ट करने के लिए यहां पर भेजा जाता है एक रेफरेंस सिग्नल, रेफरेंस सिग्नल, क्लियर, ये डिफरेंस है। हालांकि एम्पलीफायर जो लॉक इन एम्पलीफायर है और एक जो डायोड नॉर्मल होता है, दोनों का काम डीमोडुलेशन का हो सकता है। अभी हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं कि डीमोडुलेशन टेक्निक क्या है, और डीमोडुलेशन टेक्निक एक नॉर्मल डायोड भी कर सकता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, वो हम आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसके एम की बात कर लेते हैं कि लॉक इन एम्पलीफायर का मेन एम क्या है। एम इसके दो हैं वैसे तो, एक इंपॉर्टेंट है, एक कम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारे पास कि इट इज यूज्ड टू इंक्रीज सिग्नल टू नॉइस रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर ये डिटेक्ट कर सकता है नॉइस को, और अनवांटेड जो हमारे पास नॉइस प्रेजेंट होती है किसी सिग्नल के अंदर, उसको ये रिमूव कर सकता है, और सिग्नल जैसे एम्पलीफायर है तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज करेगा साथ ही साथ। तो इसलिए इसका टोटली काम यह होता है कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इंक्रीज कर सकता है, जो कि ऑर्डिनरी एम्पलीफायर नहीं कर सकता। दूसरी बात है इट इज यूज्ड टू मेजर एसी वोल्टेजेस ऑफ नियर बाय एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑफ एम्पलीट्यूड नियरली नैनोवोल्ट, 10 नैनोवोल्ट हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेकर के चलते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोवोल्ट तक के जो हमारे पास एसी वोल्टेजेस हैं उनको भी ये डिटेक्ट या मेजर कर सकता है, क्लियर है। ये इसके मुख्य रूप से एम आते हैं, और फर्स्ट एम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि नॉइस को रिड्यूस और सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज। अब इसका क्या प्रिंसिपल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, प्रिंसिपल क्या है इसका। तो मान करके चलते हैं कि इनपुट में आपने एक सिग्नल को भेजा, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा एस है, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, और इसी के अंदर क्या है, नॉइस भी प्रेजेंट है, तो नॉइस का फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा एन है। ओके, ओमेगा एन हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये दो केस बन सकते हैं यहां पे कि अगर ओमेगा एस ग्रेटर देन ओमेगा एन होता है
या फिर ओमेगा एस लेस देन ओमेगा एन होता है। यानी हो सकता है कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वीक हो एज कंपेयर टू नॉइस, या ऐसा हो सकता है कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो एज कंपेयर टू नॉइस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है उस सेम फ्रीक्वेंसी का एक रेफरेंस सिग्नल जनरेट करवाया जाता है। अब किसकी सहायता से जनरेट करवाया जाएगा, यह जनरेट करवाया जाता है रेफरेंस सोर्सेस से। रेफरेंस सोर्स आपका वेन ब्रिज ऑस्किलेटर हो सकता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो सकता है, टाइमर सर्किट्स के जो चिप्स होती हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रेफरेंस सोर्सेज हैं जिससे आप स्क्वायर वेव, साइन वेव, कोसाइन वेव एटसेट्रा जनरेट करवा सकते हैं ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। और जब हम इस रेफरेंस सिग्नल को भेजते हैं, इसके अंदर इनपुट सिग्नल को भेजते हैं, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाते हैं आपस में, डीमोडुलेशन या मल्टीप्लायर हो जाते हैं। डीमोडुलेशन को ही मल्टीप्लायर भी बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि कैरियर वेव के अंदर हमारे पास सिग्नल का क्या हो गया, सुपरपोजिशन। भाई ये तो हमारे पास नॉन कैरियर वेव था, एक आ रहा था हमारे पास सिग्नल जो इनपुट में है जिसमें नॉइस कैरियर है हमारे पास, ठीक है। अब वो जो इनपुट सिग्नल है और ये जो रेफरेंस सिग्नल है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सुपर इंपोज हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि इसका मेन कंपोनेंट मल्टीप्लायर है। ठीक है, मल्टीप्लायर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, लोकिन एम्पलीफायर को फेज सेंसिटिव डिटेक्टर भी कहा जाता है। फेज सेंसिटिव डिटेक्टर क्यों बोला जाता है, यह आपको तब पता चलेगा जब आप इसकी वेवफॉर्म्स ड्रॉ करोगे। वेवफॉर्म मैं इसकी ड्रॉ करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल मुख्य रूप से इसमें बताया जाता है कि द इनपुट सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय रेफरेंस सिग्नल, बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन आउटपुट, और आउटपुट के अंदर वी ऑब्टेन, इन आउटपुट वी ऑब्टेन, ठीक है, डीसी, या फिर वैसे पल्सेटिंग डीसी होता है जिसको हम एसी बोल सकते हैं एक तरीके से, बट बाद में उसको फिर लो पास फिल्टर से पास करवा के फिर प्योर डीसी मिल जाता है, ठीक है ना। सो वी ऑब्टेन, ठीक है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ना उस सेम फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस सिग्नल आपने जनरेट करवाना है। मतलब इसका भी क्या होगा, ओमेगा एस होगा फ्रीक्वेंसी। अब अगर रेफरेंस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस है और इनपुट सिग्नल का भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस है, तो अदर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगे ना इनपुट के अंदर, चाहे फिर वो ओमेगा एन हो या फर्दर कुछ और भी हो सकती है ओमेगा एस के अलावा, वो सभी के सभी रिमूव कर देगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, इट रिमूव्स फ्रीक्वेंसीज अदर देन डिजायर्ड रेफरेंस सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात आपने यहां पर ध्यान रखा, दिस इज द प्रिंसिपल। इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं रेफरेंस सिग्नल से तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलती है, और उस आउटपुट वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ द रेफरेंस या फिर सिग्नल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसने क्या किया, बाकी जो हमारे पास में थे सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज अलग थी ओमेगा एस से, उनको कहीं ना कहीं क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये ब्लॉक कर देगा उसको, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इसके सर्किट डायग्राम में क्या चीज प्रेजेंट है, तो एक तो मल्टीप्लायर होगा, ऑब्वियसली एक तो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लायर या डीमोडुलेटर होगा। दूसरी चीज क्या होगा, रेफरेंस सोर्स होगा जो रेफरेंस सिग्नल हमें प्रोवाइड करे, जैसे कि अभी मैंने बताया वेन ब्रिज ऑस्किलेटर जो प्रोड्यूस करता है हमारे पास में साइन वेव। इसी प्रकार से टाइमर चिप्स होती हैं, टाइमर चिप्स हमारे पास पल्सेटिंग, ठीक है ना, पल्सेस प्रोड्यूस करती हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर वेव प्रोड्यूस कर सकती हैं। और किसी टाइप की वेव्स चाहिए तो वो भी आप जनरेट करवा सकते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की भी चिप्स आती हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर चिप्स, ठीक है, इनका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो रेफरेंस सिग्नल बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अंदर, सर्किट ऑफ लॉक इन एम्पलीफायर। तो बहुत सिंपल है, देखो जैसे इधर से आप लोग इनपुट जो है वो फीड करेंगे, एसी इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास लगा रहेगा मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर का ये सिंबल होता है, इसको डीमोडुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर।
जो मल्टीप्लाई करेगा इनपुट सिग्नल को रेफरेंस सिग्नल के साथ, ठीक है। और यहां पर आप दे रहे हैं रेफरेंस सिग्नल, रेफरेंस सिग्नल, और रेफरेंस सिग्नल कहां से आ रहा है? रेफरेंस सिग्नल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, रेफरेंस सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम रेफरेंस सोर्स, ठीक है ना, रेफरेंस सोर्स, दिस इज आवर रेफरेंस सोर्स। और रेफरेंस सोर्स क्या हो सकता है? वेन ब्रिज ऑसिलेटर हो सकता है, ठीक है, ओपैम्प हो सकता है, टाइमर चिप्स हो सकती हैं, एटसेट्रा, क्लियर है। अब यहां पर ये सिग्नल जो हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है, मतलब जो आउटपुट आने वाला है लोकन एम्पलीफायर का, दैट इज पास्ड थ्रू लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर से इसको पास करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा यहां पर आउटपुट एम्पलीफायर, आउटपुट एम्पलीफायर, और आउटपुट एम्पलीफायर के जस्ट बाद आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट सिग्नल, और इस आउटपुट सिग्नल में नॉइस प्रेजेंट नहीं होगा, क्लियर है। ये हमारे पास बनता है इसका सर्किट, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज अवर लोकिन एम्पलीफायर, और लोकिन एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा, ध्यान रखिएगा, लोकिन एम्पलीफायर का जो भी आउटपुट होगा, दैट इज द आरएमएस दैट डिपेंड्स ऑन द, डिपेंड्स ऑन आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज, इनपुट एसी वोल्टेज, इनपुट एसी वोल्टेज, ठीक है। या फिर यहां पर भी आप कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब जो भी हमें वोल्टेज मिलने वाली है वो डीसी तो मिलेगी, वो डीसी तो हमको मिलेगी, लेकिन उस डीसी वोल्टेज की आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी डिपेंड करेगी आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज पर। अच्छा, इस चीज को हम प्रूव भी कर देंगे, अभी मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म लेकर के चलेंगे तो उसमें चीज प्रूव भी हो जाएगी, क्लियर है। अब क्योंकि मैंने लोकिन एम्पलीफायर को क्या नाम दिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज फेज सेंसिटिव डिटेक्टर, फेज सेंसिटिव डिटेक्टर। तो फेज सेंसिटिव डिटेक्टर क्यों बोला जाता है इसको? देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये है हमारे पास इनपुट सिग्नल, दिस इज द इनपुट सिग्नल, ओके, दिस इज द इनपुट सिग्नल, और ये हमारे पास है रेफरेंस सिग्नल, ठीक है, सपोज दिस इज अवर रेफरेंस सिग्नल, दिस इज इनपुट, दिस इज रेफरेंस सिग्नल। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? व्हाट इज एट द आउटपुट? आउटपुट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, आउटपुट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ, क्लियर है। अब आउटपुट में देखो क्या होगा, यहां पर क्योंकि पॉजिटिव पीक मिल रही है, यहां पर भी पॉजिटिव पीक मिल रही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए आपको सेम इसी प्रकार का मिल जाएगा, लुक्स लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम देखें तो नेगेटिव है, यहां पर भी क्या है? नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव होगा पॉजिटिव, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हमारे पास मिलेगा इस प्रकार से वेव। फिर इसके बाद यहां पर क्या है? पॉजिटिव। यहां पर भी क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 होगा, सो इट गोज लाइक दिस, क्लियर है। और ये आप देख सकते हैं, दिस इज पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। और जब इस पल्सेटिंग डीसी को आप पास करवा देंगे लो पास फिल्टर से, देन द फाइनल आउटपुट इज लुक्स लाइक दिस, दिस इज योर फाइनल आउटपुट, ओके, दिस इज योर फाइनल आउटपुट वी नोट, क्लियर है। अब फेस सेंसिटिव क्यों बोला गया? देखो, अगर हम लोग इस इनपुट सिग्नल को रिवर्स लेकर के चलें, जैसे ये तो चलो इन दोनों केस में आप इनपुट और रेफरेंस को अगर देखोगे तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज इन फेज, दिस बोथ वेव्स आर इन फेज, ये दोनों वेव्स क्या है हमारे पास? इन फेज हैं। लेकिन ये वाला सर्किट देखो एक बार, अगर ऐसे लेकर के चलें तो यहां से अगर स्टार्ट करें तो देखो, ये अगर ये ऐसे होता हो, दिस इज द इनपुट रेफरेंस, ऐसे लेकर के चलते हैं, दिस इज द रेफरेंस, देन व्हाट इज द आउटपुट हियर? व्हाट इज द आउटपुट? बोथ मल्टीप्लाई, सो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो यहां से स्टार्ट होगा, क्लियर है, नेगेटिव यहां से स्टार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो यहां पर हमारे पास नेगेटिव जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, तो ये ऐसे जाएगा, क्लियर है। मतलब जहां से स्टार्ट हो रखा है, देखो रेफरेंस कहां से ले रहे हैं हम लोग, देखो रेफरेंस है पॉजिटिव में और इनपुट है नेगेटिव में, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? नेगेटिव मिल रहा है, ओके। ये हमारे पास केस है आउटफेज का, दिस इज द केस ऑफ आउटफेज। और मुझे एक बात बता दो, इन दोनों में किस चीज को लेकर के डिफरेंस है? दिस इज द पॉजिटिव डिमोडुलेटेड सिग्नल एंड दिस इज द नेगेटिव डिमोडुलेटेड सिग्नल, दिस इज द डिफरेंस। तो अगर आप एक बार इनफेज लेकर के चलोगे और आउटफेज लेकर के चलोगे, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट में
पॉजिटिव और नेगेटिव डिमोटिवेट सिग्नल देखने को मिल सकता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है फेज सेंसिटिव डिटेक्टर। डिमोडुलेशन टेक्निक आपका डायोड भी कर सकता है नॉर्मली, लेकिन वो एक फेज सेंसिटिव डिटेक्टर नहीं है। लेकिन लोकिन एम्पलीफायर का ही हमें एडवांटेज मिल जाता है दैट इट इज आल्सो कॉल्ड फेज सेंसिटिव डिटेक्टर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फेज सेंसिटिव डिटेक्टर भी बोला जाता है। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म। अच्छे से पहले एक बात और ध्यान रखना कि जो लोकिन एम्पलीफायर है ना, अगर इसका इनपुट देखा जाए तो इनपुट जो हमारे पास शो होता है ना, दैट इज इन द आरएमएस वोल्टेज, मतलब आरएमएस में उसका इनपुट शो होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लोकिन एम्पलीफायर शो करके दे रहा है 1 वोल्ट, तो ध्यान रखिएगा ये 1 वोल्ट एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू है, यानी ये कोरस्पोंड करता है एक साइन वेव जिसका पीक टू पीक वोल्टेज होगा अंडर रूट 2 टाइम्स होता है ना हमारे पास पीक वोल्टेज, तो पीक टू पीक हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 एंड देन वी हैव दिस वोल्टेज विच इज नथिंग बट 1 वोल्ट। क्लियर है? तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनपुट इज ऑलवेज शोइंग द आरएमएस वोल्टेज। क्लियर है? अच्छा अभी देखो मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म कर रहे हैं हम लोग, मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म। अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज है एंड इनपुट सोर्स वोल्टेज इज गिवन एज वी एस, इनपुट सिग्नल इज गिवन एज वी एस जिसका एम्पलीट्यूड है वी एस ओ, ओके दैट इज ऑब्वियसली द आर एम एस वैल्यू एंड देन वी हैव, इसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है? ये आपके पास है, दिस इज द वी एस ओ इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल जो हमारे पास इनपुट में आप लोग फेड करवा रहे हैं। अब देखो यहां पर ना मैंने कोई किसी प्रकार का फेज अज्यूम नहीं किया, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा रेफरेंस सिग्नल है ना, रेफरेंस सिग्नल, तो मान करके चलते हैं इसका एम्पलीट्यूड है वी आर ओ, तो यहां पर हम लोग अज्यूम करते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाई। यहां पर जो फाई मैंने डिनोट किया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल एंड द रेफरेंस। ओके सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड रेफरेंस सिग्नल, एंड रेफरेंस सिग्नल। क्लियर है? अब आपका जो मल्टीप्लायर लगा हुआ है वो आपको आउटपुट देगा नेक्स्ट, तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास होगा मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू दैट इज वी एस ओ एंड वी आर ओ एंड देन साइन ओमेगा टी एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाइव। क्लियर है? यहां पर देखो आइडेंटिटी यूज हो रहा है, साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंड देन वी हैव कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस में कोस ऑफ ए प्लस बी। क्लियर? ये फॉर्मूला आपका यूज होगा एंड देन आई हैव वी एस ओ इंटू वी आर ओ डिवाइडेड बाई टू और यहां पर हो जाएगा हमारे पास कोस ऑफ ए माइनस बी, तो यहां से आ जाएगा माइनस का फाइव। क्लियर है? ओमेगा टी माइनस फाइव, तो कोस ऑफ माइनस फाइव आ जाएगा एंड माइनस साइन कोस ऑफ ए प्लस बी, तो दोनों का सम करेंगे सो टू ओमेगा टी प्लस में फाइव आ गया। क्लियर है? तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, देखो वी एस ओ अपॉन रूट टू इन टू में वी आर ओ डिवाइडेड बाई रूट टू एंड देन वी हैव कोस फाइव माइनस में कोस टू ओमेगा टी प्लस में फाइव। क्लियर है? अब देखो यहां पर जो आउटपुट होगा ना आपका आफ्टर पासिंग थ्रू द लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर से पास होने के बाद में जो आपका आउटपुट नजर आएगा उसमें ये वाली टर्म प्रेजेंट नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि लो पास फिल्टर आउटपुट हमें क्या प्रोवाइड करता है, डीसी, जबकि यहां पर आप देखेंगे आउटपुट में ये जो टर्म है इट इज डीसी, सॉरी इट इज एसी बिकॉज इट इज टाइम डिपेंडेंट। तो जो टाइम डिपेंडेंट वाला जो कंपोनेंट होता है ना वो कर देता है रिमूव, वो क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। ठीक है? तो यहां पर आपके पास आ जाएगा, अच्छा मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, देखो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है? तो ये ध्यान रखना आपने, इनपुट सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम है यहां पे। अगर आप यहां पर डिफरेंस लेकर के भी चलोगे तो वो डिफरेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए, और अगर वो डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है तो एट लास्ट जो आपका आउटपुट आएगा उसमें बीट जो फ्रीक्वेंसी है वो आप लोग मेजर कर सकते हैं, फिर बीट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होगा, बट वो हम इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट आपको बराबर ही रखनी चाहिए। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा वी एस ओ अपॉन रूट टू एंड वी आर ओ अपॉन रूट टू एंड लो पास फिल्टर से पास करने के बाद ये कंपोनेंट रिमूव हो जाएगा यहां से एंड देन आई एम गेटिंग कोस फाइव। क्या आप देख सकते हैं यहां पे जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो किन चीजों पर निर्भर कर रहा है? आउटपुट जो हमें मिलेगा, द आउटपुट ऑफ लोक इन एम्पलीफायर, लोक इन एम्पलीफायर
डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर वी एस ओ अपॉन रूट टू, वी एस ओ अपॉन रूट टू, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज, क्लियर है। दूसरी चीज है यहां पे फेज, ठीक है, तो ये किसके बीच का फेज है? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड रेफरेंस सिग्नल। और ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोस फाई में जो फाई आने लग रहा है वो टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो फाई है इट शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ टाइम टी, अदरवाइज अदरवाइज ये होगा कि जो आपका आउटपुट आएगा वो भी टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा, यानी आपको डीसी आउटपुट नहीं मिलने वाला है, आपको एसी आउटपुट मिलेगा। फिर अगर आपको डीसी आउटपुट चाहिए तो फिर फंक्शन जो हमारे पास ये फेज है फाई, ये फेज टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। इसलिए लोकिन एम्पलीफायर जो होता है वो यूज करता है पीएलएल टेक्निक, लोकिन एम्पलीफायर यूज करता है पीएलएल टेक्निक। ये पीएलएल क्या चीज है? इसको बोलते हैं फेज लॉग्ड लूप, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? फेज लॉग्ड लूप। कहने का मतलब यह है फेज लॉग्ड लूप इसके अंदर ही है, जो क्या करता है, जो हमारे पास वोल्टेजेस आप फेड करवा रहे हो ना इनपुट के अंदर, जैसे यहां पर ये दोनों फेड करवा रहे हैं, तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज है उनको कंपेयर करेगा, उनके फेज को भी जो है यहां कंपेयर करेगा, दोनों कंपेयर करता है, फ्रीक्वेंसी को भी और फेज को भी, दोनों कंपेयर करता है। कंपेरिजन करने के बाद वो डिफरेंस देखता है कितने का है, अगर डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो का है तो फिर वो उसके क्या कर देगा, लॉक कर देगा, उसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा। लेकिन अगर फेज जीरो का नहीं है तो फिर ये डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और डिजायर्ड फेज का एक सिग्नल खुद से जनरेट करेगा, एंड दैट इज जनरेटेड बाय इट्स फीडबैक मैकेनिज्म, इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म होगा जिसकी मदद से खुद से जनरेट कर देगा, क्लियर है। इसके अंदर होता है पीएलएल टेक्निक, फेज लॉग्ड लूप टेक्निक। तो ये दो फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये कुछ हम लोग एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की पहले हम लोग बात करते हैं। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज मॉड्यूलेटेड एज दिस, ये आपका जून 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कंसिडर करते हैं एक सिग्नल को एनालाइज किया गया लोकिन एम्पलीफायर में, एंड दिस इज द इनपुट सिग्नल, एंड रेफरेंस सिग्नल को हम जो लेकर के चल रहे हैं वो ए साइन ओमेगा टी भी हो सकता है और ए कोस ओमेगा टी भी हो सकता है। तो कहता है कि जो वोल्टेज होगा आउटपुट सिग्नल में अपियर ऑफ दिस एम्पलीफायर वो कितना आएगा। देखो यहां पर दोनों क्यों दिए गए हैं, साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी, बिकॉज वी आई जो है इनपुट सिग्नल दैट इज 10, और इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ओमेगा टी इंटू में आ जाएगा साइन पाई बाय 4, एंड प्लस में आएगा हमारे पास कोस ओमेगा टी एंड कोस पाई बाय 4, क्लियर है, ये आपके पास आ रहा है। नाउ दिस इज रिटन एज 10 अपॉन में रूट 2, एंड देन वी हैव साइन ओमेगा टी प्लस में कोस ओमेगा टी, ठीक है, इस प्रकार से आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहां पर साइन भी है प्रेजेंट और कोसाइन भी प्रेजेंट है, तो अगर आप साइन लेकर के चल रहे हैं तो फिर आप रेफरेंस सिग्नल को एज्यूम कर सकते हैं, या फिर ये भी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि दोनों केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास समान रखी गई है ओमेगा के इक्वल, ठीक है। अब अगर आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जो है, आउटपुट जो सिग्नल है हमारे पास उसकी वोल्टेज अगर आपसे पूछता है लोकिन एम्पलीफायर में, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में वोल्टेज है एम्पलीट्यूड, उसका हमने क्या लेना है, ठीक है, उसका हमने लेना है आरएमएस वैल्यू। तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, दैट इज वी अपॉन रूट टू, यानी आ जाएगा 10 अपॉन रूट टू इन टू रूट टू, सो द फाइनल रिजल्ट इज 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट अपियर होगा, चाहे आप ए साइन ओमेगा टी ले लो या फिर ए कोस ओमेगा टी ले लो, कितना अपियर होगा, 5 वोल्ट के इक्वल अपियर होगा। अगर एनालाइज करना चाहते हो इस चीज को तो फिर आपको बारी बारी से सुपर पोजिशन करवा के इसको करना पड़ेगा। जैसे कि मान करके चलते हैं कि ये हमारे पास सिग्नल है जो कि हम फेड करवा रहे हैं लोकिन एम्पलीफायर में, दैट वैल्यू इज 10 साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 4। रेफरेंस सिग्नल दो है, अगर मैं पहला रेफरेंस सिग्नल मान रहा हूं R1 जिसकी वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी, तो आपको यहां आउटपुट में क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना, मल्टीप्लायर लगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज एस आर वन, सो द वैल्यू इज 10 ए इंटू में साइन ओमेगा टी
एंड साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय फोर। ठीक है, अगर मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करूं साइन इंटू साइन बी, तो हमारे पास आएगा टेन ए अपॉन में टू एंड देन वी हैव, ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन एंड ओमेगा टी माइनस पाई बाय फोर, तो आ जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाय फोर प्लस में, ठीक है, प्लस में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ टू ओमेगा टी प्लस में पाई बाय फोर। क्लियर है? इन द सिमिलर वे जब हम लोग बात करेंगे वी नॉट इज इक्वल टू एस आर टू, अगर ये वाला रेफरेंस लेकर के चल रहे हो तो फिर अगेन फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें हमारे पास होगा साइन ए इंटू कोस बी का। ठीक है, तो हमारे पास आएगा अगेन टेन ए अपॉन टू एंड देन वी हैव यहां पर कोस आ जाएगा। ठीक है, तो कोस ऑफ माइनस पाई बाय फोर एंड देन वी हैव, अच्छा यहां पर माइनस साइन आता है बेसिकली, ठीक है, एंड देन वी हैव प्लस एंड कोस ऑफ यहां पर आ जाएगा टू ओमेगा टी प्लस में पाई बाय फोर। ठीक है, अब फिर आप क्या करेंगे, इसको लो पास फिल्टर से पास करवा देंगे। लो पास फिल्टर से जब पास करेंगे तो जो टाइम डिपेंडेंट वाली जो टर्म है ना, ये टाइम डिपेंडेंट वाली टर्म ये क्या हो जाएंगी, सुप्रेस हो जाएंगी, और ये सुप्रेस होंगी अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि यहां पर सेम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जा रही है इसलिए कंप्लीटली सुप्रेस हो जाएंगी, यानी कंप्लीटली यहां से हमारे पास रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगी। अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत अंतर होता तो फिर ये कम सुप्रेस हो पाती, अभी तो कंप्लीट सुप्रेस हो रही है। ठीक है, एंड आउटपुट मैंने आप बता दिया आपको, फाइनल रिजल्ट जो सिग्नल का जो वोल्टेज होगा दैट इज 5 वोल्ट। क्लियर है? इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन में कहता है होल एक्सपेरिमेंट, होल वोल्टेज का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कहता है कि विद एन एसी करंट होल वोल्टेज अक्रॉस द चैनल इज मेजर्ड एज दिस वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास आती है। अगर लोकिन टेक्निक का यूज करते हुए डीसी मतलब आउटपुट सिग्नल वोल्टेज आपको मेजर करना है, पहला पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट हमसे कहता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमसे कहता है, अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक चीज का यहां पर गलती दे रखी है, ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है, अच्छा ऐसा देना चाहिए ना, ठीक है, दी होल वोल्टेज अक्रॉस द चैनल इज मेजर्ड एज, ओके, क्योंकि एसी करंट है या नहीं है वो तो डिपेंड करेगा इन दो प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, इन दोनों प्रॉब्लम्स पर अलग अलग से डिपेंड करेगा। जैसे अगर ए प्रॉब्लम की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मॉड्यूलेट हो रहा है एज बी इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर प्रेजेंट है जिसको यहां पर मॉड्यूलेट किया जा रहा है यूजिंग द लोकिन डिटेक्शन टेक्निक की सहायता से। तो आपको बताना है कि आउटपुट सिग्नल की वोल्टेज कितनी होगी, तो आउटपुट सिग्नल की वोल्टेज कितनी आ जाएगी, सो वी नोट इज इक्वल टू, क्योंकि इस टर्म में हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, और करंट हमारा कैसा है, करंट हमारे पास डीसी है, क्योंकि करंट को यहां पर देखो कांस्टेंट रखा गया है। इस क्वेश्चन में कहीं पर कहा है आपको, मैंने यहां देखिए यहां पर एसी करंट नहीं आएगा, ठीक है, द होल वोल्टेज अक्रॉस द चैनल इज मेजर्ड एज, ओके, और कांस्टेंट करंट इसके अंदर मेजर किया जा रहा है इस केस में, मैग्नेटिक फील्ड को बल्कि मॉड्यूलेट किया गया है, करंट इज केप्ट कांस्टेंट, जैसा कि जून 2023 के पेपर में पूछा गया था। तो यहां पर अगर करंट को कांस्टेंट मान लिया गया इट इज डीसी, तो फिर लोकिन एम्पलीफायर में इसका काम ही नहीं रहेगा कोई। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका देगा, ये वाला रिजल्ट देगा, और इस केस में आर एच आई अपॉन एल, तो आर एच आई अपॉन एल दैट इज कांस्टेंट, और बी का हमारे पास हो जाएगा एम्पलीट्यूड बी नोड है, आरएमएस वैल्यू इसकी होगी बी नोड अपॉन रूट टू, तो ये मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगा इन द आउटपुट। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट में कहता है करंट को मॉड्यूलेट किया गया है आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। अगर करंट को मॉड्यूलेट किया, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहेगा, तो आर एच बी अपॉन एल, और ये जो करंट है तो करंट हमारे पास कितना होगा, करंट का एम्पलीट्यूड कितना है आई नोड, इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा आई नोड अपॉन में रूट टू, प्लस में इन द सिमिलर वे आर कॉन्स्टेंट है और करंट का हो जाएगा आई नोड अपॉन रूट टू आरएमएस वैल्यू। यहां से देखें तो आई नोड अपॉन रूट टू कॉमन आ रहा है, एंड देन आई एम गेटिंग यहां से आ जाएगा आर एच बी अपॉन में एल, और प्लस में हो जाएगा कैपिटल आर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो बस आप देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर यही चीज बार बार बताई जा रही है कि आउटपुट वोल्टेज जो हमारा लोकिन एम्पलीफायर में यूज होने वाला है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट एसी वोल्टेज। ठीक है, सो ये था हमारे पास लोकिन एम्पलीफायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे नॉइस, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है नॉइस पर बेस्ड, इस पर आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करने का। ठीक है, सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।